हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और ये हम लोगों ने क्रॉकरी यूनिट एल शेप में डिज़ाइन किया है इसको, लखनऊ में फूलबाग एरिया के अंदर। ऊपर पूरा शीशे के डोर कर रखे हैं, नीचे आपके ड्रॉर और डोर। अभी खोल के दिखाएंगे आपको किस तरह से काम है ये। पहले थोड़ा सा बाहर से एंगल से आपको दिखा देते हैं, फिर थोड़ा सा ये ऊपर डोर में जो सेल्फ दे रखी है वो भी सब प्लाई बोर्ड पर सरमाइका लगा के फिनिश किया है। तो साइड से भी दिखाते हैं आपको, ये ऊपर की जो हाइट की बात करें 2 फिट है, लंबाई पूरी इसकी करीब करीब 7 फिट की है, गहराई इसकी 1 फिट की है। बीच में हम इन्होंने ओवन के लिए कर रखा है। और फिर ये देख रहे हो आप, ऊपर ड्रॉर है, फिर एल शेप में पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया है। स्टोर पर्पस है, नीचे से स्टोर हो जाएगा और ऊपर ये एक्चुअली ये ड्राइंग रूम का हॉल के अंदर ये काम किया गया है, तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। हम इसे खोल के भी दिखाते हैं आपको, इनमें खोलिएगा इसको। ये सबसे ऊपर तो आपका ड्रॉर दे रखी है हमने, ये डोर और डोर के अंदर पार्टीशन अब बंद करिए। ये आपके 2 डोर, उसके ऊपर की ये ड्रॉर, ठीक है। फिर से उसी तरह से 2 डोर दे रखा है, ये पूरा स्टोर, और उसके अंदर फिर आपकी ये ड्रॉर। इस तरफ एक पूरा एल शेप में कॉर्नर है आपका, इसने पार्टीशन नहीं दिया ताकि बड़ी चीजें इसके अंदर आ सके आसानी से। इसी तरह से हर तरह हम लोगों ने जो है डोर नीचे डोर ऊपर ड्रॉर नीचे डोर ऊपर ड्रॉर, ताकि बहुत सी जरूरत की चीज़ें होती हैं वो आसानी से इसमें स्टोर हो जाती हैं। क्योंकि ड्राइंग रूम का एरिया है तो यहाँ पर आपका बहुत सा सामान ऐसा एसेसरीज होता है जो आपको रखना रहता है वो सब। इसके बाद इसके ऊपर टॉप के ऊपर तो हम लोग फ्लावर या पॉट्स इसको मेंटेन कर देंगे अच्छे से। और ऊपर के एरिया भी दिखाइए खोल के भाई। ऊपर वाले में हम लोगों ने प्लेन डोर रखे हैं और अंदर पार्टीशन 5 डोर है ऊपर। चलो इनका किचन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे किचन इनका पास में था तो किचन के पास में माइक्रोवेव इन्होंने यहाँ कर दिया है। और इस तरह से कुछ है कि किचन में भी और मल्टीपर्पज़ दोनों में इस्तेमाल होती है। और इसी रूम के अंदर ही यहाँ पर थोड़ा सोफे का काम आप देख रहे हो, और फिर ये टीवी यूनिट बनाया है हम लोगों ने, वही पैटर्न है ड्रॉर डोर के ऊपर ये और सबसे ऊपर टीवी। एक बार इसको भी खोल के दिखाते हैं आपको। सबसे नीचे वही डोर कर दिया है, उसके ऊपर फिर ड्रॉ कर रखी है हम लोगों ने, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आदमी यहाँ वहां रखता है तो उससे बेहतर यह है कि कैबिनेट बन जाती है। टीवी के नीचे कैबिनेट भी है, सेटअप बॉक्स अपना आ गया इसके ऊपर, और बहुत सा सामान स्टोर हो जाता है ड्राइंग रूम में। ऐसे रोज का सामान ऐसा होता है कि आप यहाँ वहां रखते हैं, उससे बेहतर यह है कि अगर कैबिनेट के अंदर रहता है तो ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है कुछ चीज़ को। हालांकि ये उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कंजेस्टेड नहीं किया है, चीज़ें सिंपल से बॉक्स बना दिया है। ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा था और ये टीवी हो गया आपका, उसी तरह से ये सोफे का। अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं तो पूरी तरह से शिफ्टिंग हो नहीं पाई है घर की। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हम आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत बढ़ती रहती है ताकि हम और भी काम आपके सामने बना बना के डालते रहें। यहाँ पर एक खासियत थी, हमने आपको बताई नहीं वो बात, कि यहाँ पर ये जो हमारे कस्टमर हैं उनके फादर को पद्मश्री पद से सम्मानित किया गया, तो उसको भी लेना शूट कर दे दिखा सके। और स्वतंत्रता सेनानी का एक अवार्ड होता है वो भी उनको दिया गया था। बस पहले एक वीडियो के अंदर हमने कुछ इसमें सामान रखा नहीं था, रख के दिखाना रह गया था।